हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट बालाचंद्र राजन 1920 एंड 2009. 1920 में इनका बर्थ हुआ था एंड 2009 में इनकी डेथ हो गई थी. फोकस ऑन द पोएट्री ऑफ जॉन मिल्टन. इन्होंने मेनली जॉन मिल्टन की पोएट्री पे फोकस किया है. 1947 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, पैराडाइज लॉस्ट एंड द 17th सेंचुरी रीडर. ये इनका एक क्या है, क्रिटिकल वर्क है. टू नॉवेल्स इनके फेमस है, द डार्क डांसर एंड सेकेंड वन है टू लॉन्ग इन द वेस्ट. द डार्क डांसर 1958 में पब्लिश हुआ था. इसमें ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दिखाया गया है. टू लॉन्ग इन द वेस्ट 1961 में पब्लिश हुआ था. अब बात करते हैं द डार्क डांसर के बारे में. पोर्ट्रेज विविड रियलिटीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, यानी कि ये पोर्ट्रेस करती है, दिखाती है किसके बारे में, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसकी रियलिटीज को इन 1947. और ये पार्टीशन कब हुआ था, 1947 में हुआ था. अब कुछ इसके फेमस कैरेक्टर हैं, जैसे कृष्णन है इसमें द डार्क डांसर नॉवल में. और ये कृष्णन सोज नेशनल एंड पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स. कृष्णन क्या दिखाता है, अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखा रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी वो दिखा रहा है. क्योंकि जो कृष्णन है 10 ईयर्स स्कूलिंग इन इंग्लैंड नाउ रिटर्न्ड इंडिया, यानी कि 10 ईयर्स की स्कूलिंग इंग्लैंड में कंप्लीट करने के बाद अब जो कृष्णन है इस स्टोरी में वो इंडिया आया है. तो उसी के नेशनल और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स इस नॉवल में देखने को मिलते हैं हमें. जो कृष्णा है उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, यानी कि जब वो इंग्लैंड में था वहां उसकी गर्लफ्रेंड थी सिंथिया और उसकी वाइफ कौन है, कमला. तो इन दोनों के बारे में भी उसमें बताया है कि कैसे उसकी जो गर्लफ्रेंड है और जो उसकी वाइफ है उसके थ्रू उसके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं. अब जो कृष्णन है सर्च फॉर आइडेंटिटी, वो क्या कर रहा है, उसको मतलब उसकी जो थीम है इस नॉवल की वो कृष्णन के कैरेक्टर पे बेस्ड है. वो यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए सर्च दिखाया गया है कृष्णन का, कि कैसे वो इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड की से स्कूलिंग के बाद वो आफ्टर ही रिटर्न टू इंडिया एंड व्हाट हैपेंस इन हिज पर्सनल लाइफ एंड इन हिज सोशल लाइफ, कि उसकी पर्सनल एंड सोशल लाइफ में क्या होता है, यही सब इस नॉवल में दिखाया गया है. अब इनका सेकेंड जो फेमस नॉवल था हमने बात की थी टू लॉन्ग इन द वेस्ट, इसमें किसके बारे में बात हुई, देखिए पैरोडी ऑफ अ स्वयंवरा. इसमें स्वयंवर जो होता है उसकी पैरोडी, यानी कि उस पर मजाक, एक उस पर कटाक्ष किया गया है स्वयंवर में. नलीना हर फैमिली ट्राई टू फाइंड अ मैच फॉर हर. और देखिए सेम जो इसकी स्टोरी है द डार्क डांसर एंड टू लॉन्ग इन द वेस्ट में, थोड़ा सा इनमें ये सिमिलैरिटी है कि जैसे कृष्णन अपनी जो एजुकेशन है वो इंडिया से बाहर कंप्लीट करने के बाद अब इंडिया रिटर्न हो रहा है, वैसे ही जो इसमें नलीना है वो भी क्या कर रही है, उसने भी इंडिया से बाहर अपनी एजुकेशन यानी कि अमेरिका में कंप्लीट की. और 3 साल बाद, कृष्णन तो 10 ईयर्स बाद आता है अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद, और जो नलीना है वो रिटर्न इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स एजुकेशन इन अमेरिका. वो 3 साल की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अमेरिका से रिटर्न इंडिया, यानी कि इंडिया वापस आती है. तो अब उसकी फैमिली उसके लिए एक मैच, यानी कि उसकी शादी के लिए एक जो मैन है वो ढूंढ रहे हैं वो, बट उसको वो मिलता नहीं, तो वो स्वयंवर वहां पे अरेंज करते हैं उसके लिए. तो ये क्या है, उसमें सभी ये दिखाया गया कि स्वयंवर को कैसे, मतलब उसका जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक कटाक्ष किया गया है. तो ये नॉवल थे बालाचंद्र राजन के, यानी कि टू उनके फेमस नॉवल जो है उनकी स्टोरी लगभग सेम है. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे. तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.